हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मटर और मखाने की बहुत ही स्वादिष्ट मज़ेदार सब्जी। आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप फ्रेश मटर के दाने। वेट में ये 165 ग्राम से। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रोजन मटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस समय मटर का सीजन है तो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और हम साथ में लेंगे मखाने, तो 1 कप ही हम मखाने ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो मखाना हमें लेना है वो टुर्री वाला लेना है। टुर्री वाला मखाना जो होता है वो छोटा साइज़ का होता है, और जब आप उसे दबाएंगे तो वो जो है दबता नहीं है, यानी टूटता नहीं है। तो इसकी सब्ज़ी जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमें बड़ा वाला फूला वाला मखाना नहीं लेना है। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पर ईजिली मिल जाएंगे, और फिर इनकी कीमत भी बहुत ही कम है। तो मुझे 1 kg जो है 200 के पड़े थे, तो रेट जो है थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि आप कहाँ के हैं। वेट में ये 35 ग्राम से, क्योंकि ये वज़न में जो है थोड़े से कम चढ़ते हैं। जो फूला हुआ मखाना होता है काफ़ी ज़्यादा चढ़ता है। तो फिर सबसे पहले हम मटर के दानों को उबाल लेंगे, क्योंकि ये दाने जो हैं थोड़े से कड़े हैं। अगर आप यहाँ पर फ्रोजन मटर का यूज़ कर रहे हैं, या दाने जो हैं बहुत ही सॉफ्ट मीठे हैं, तो आपको उबालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड्स, ये दाने जो हैं हम साइड में रख देंगे, उबलेंगे तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई मैंने रख दी है। हम इसमें डालेंगे 3.5 यानी कि 3.5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं जो खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन सभी ऑयल में जो सरसों का तेल होता है वो सबसे बढ़िया होता है। ये हमारे घर का ऑयल है तो मैं हमेशा यही ऑयल यूज़ करती हूँ। ऑयल आप यहाँ पर थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जब जीरा चटकने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची और 1 हम तेज़पत्ता डाल देंगे। आपको और पसंद है तो आप खड़े मसाले इसमें और डाल सकते हैं, नहीं है तो आप सिर्फ जीरा डालकर भी इसे बना सकते हैं। 1/2 चम्मच हम इसमें क्रश की हुई हरी मिर्च डाल देंगे, और 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप पेस्ट को बना लीजिए, जिसमें आप 4 से 5 हरी मिर्च, 3 से 4 कली लहसुन की और 1/2 इंच अदरक डालें। तो मैंने इसे कुछ सेकेंड पका लिया है। तो इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज। तो प्याज आप यहाँ पर बारीक काट कर डाल सकते हैं, चॉपर की मदद से चॉप कर सकते हैं, या फिर पेस्ट बना सकते हैं। तो मैंने पेस्ट बनाया। पेस्ट को मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है, जिससे ये इजीली जो है भुन जाएगा। अगर बहुत फाइन पेस्ट आप कर देंगे ना प्याज का, तो वो देर लगती है उसको पकने में। तो प्याज को हम यहाँ गोल्डन होने तक पकाएंगे। तो फिर प्याज जो है बढ़िया हमारा गोल्डन कलर का हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टमाटर की प्यूरी। फिर अगर आप बड़े साइज़ के टमाटर ले रहे हैं तो 2 ले लीजिए। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए। आपको अगर थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर चाहिए तो आप 4 टमाटर भी ले सकते हैं। तो पहले हम मीडियम फ्लेम पर टमाटर को कम से कम 1 मिनट पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने इसे 1 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच हम इसमें सब्जी मसाला डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये घर का बना मसाला है। तो फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और 1 चम्मच से थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी यूज़ की है। अगर तीखा आपको ज़्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्च की मात्रा यहाँ बढ़ा सकते हैं। और 1 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे अच्छे कलर के लिए। 1/3 कप हम इसमें पानी डालेंगे। फ्लेम को पहले हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे हम पका लेंगे। इसके बाद हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक मसाला जो है ऑयल ना छोड़ दे। मसाले को आप यहाँ पर खुला या फिर इस प्रकार से कवर करके पका सकते हैं। और फिर इधर मटर भी हमारी पक गए हैं, तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो फिर आप देख सकते हैं ये मटर जो है बढ़िया एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मसाला जो है बढ़िया पककर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऑयल जो है मसाले से सेपरेट हो गया। ये पहचान होती है कि जब मसाला अच्छे से पक जाता है तो ऑयल जो है एकदम सेपरेट हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस। आप चाहें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप पहले भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें बाद में ही डालना है, लेकिन आप इसे ज़रूर डालकर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। तो 1 मिनट हम इसे पका लेंगे। तो मैंने इसे 1 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे मखाने। तो मखाने मैंने ऐसे ही डाले, आप चाहे तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। और मैंने मटर डाल दी है मीडियम फ्लेम पर। हम इसे कम से कम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं तो पहले उसे अच्छे से भून लेते हैं, बस उसी प्रकार से इसे भी हमें 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। तो पहले हम 1.5 कप पानी डालेंगे, ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में और पानी डालेंगे।
पानी डालने के बाद हम पहले एक बार इसे अच्छे से चलाएंगे और ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डालेंगे। तो पानी जो है मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि अभी सब्जी पकेगी तो ग्रेवी जो है इसकी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। वैसे भी मखाने जो होते हैं वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें हाफ कप पानी डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक कप मखाने और एक कप मटर के लिए 2 कप पानी डाला है। आप चाहें तो 2.5 कप भी पानी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच और थोड़ा सा और, यानी मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है। नमक आप अपने यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे कवर करके पकने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ग्रेवी जो है हमारी उबलने लगी है। अब हम फ्लेम को कम कर देंगे, यानी ये सब्जी जो है हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अगर आप मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो ग्रेवी जो है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। उसे कवर करके कम से कम 6 से 7 मिनट पकने देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ सब्जी को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हो, सब्जी हमारी बढ़िया पककर तैयार होगी। आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है और इसकी ग्रेवी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अभी आपको ये थोड़ी सी पतली लग रही है, लेकिन बाद में जो है ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि इसमें मखाने पड़े हुए। चलिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला। ये घर का बना गर्म मसाला है, इसलिए मैंने बहुत ही कम डाला है और थोड़ी सी मैंने धनिया पत्ती डाल दी है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी ग्रेवी जो है किस प्रकार की होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं और आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई, लेकिन बाद में जो है ग्रेवी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए मटर मखाने की स्वादिष्ट मज़ेदार सब्जी तैयार है खाने के लिए। आप इसे पूड़ी पराठे चावल किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हमारे यहाँ ये सब्जी सभी को बहुत ही पसंद है, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।